दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर डायबिटीज होता क्यों है। तो जान लो, डायबिटीज बीमारी है, मेजॉरिटी के अंदर ये डाइटरी डिसीज है, यानी हमने खाने में कुछ गड़बड़ी किया है जिसकी वजह से मेरा लीवर फैटी हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, जिसकी वजह से आपके पेनक्रियाज जहाँ इंसुलिन बनता है पेनक्रियाज भी फैटी हो गया, जिसे इंसुलिन बनना बंद हो गया और जिसे अब डायबिटीज हो गया। तो बेसिकली इस सारी बीमारी जड़ है ये प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, और उसमें सबसे टॉक्सिक कार्बोहाइड्रेट है चीनी। अब लोग कहें मैं तो चीनी खाता नहीं। मैं आप जान लो, सारे जितने भी फूड है, वर्चुअली हर जो भी पैक्ड फूड है, एक ब्रेड के अंदर 3 ग्राम चीनी है, एक पेप्सी बोतल के अंदर 33 ग्राम चीनी है, एक एनर्जी ड्रिंक के अंदर 50 ग्राम चीनी है, एक रोटी के अंदर, आज के रोटी मैदे इतना महीन पीस मैदा हो जाता है, उसके अंदर एक रोटी 30 ग्राम, रोटी के अंदर कम से 16-17 ग्राम ग्लूकोज है। केक, पेस्ट्रीज, मैगी, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, तो इन सब में आजकल क्या हो रहा है कि प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट खा रहे, फूड खा रहे हैं हम लोग। ओट अच्छा है, ओट मिल खराब है, प्लस हम बार बार खा रहे हैं, जिससे हमारा लीवर फैटी हो जा रहा है। इसके ठीक उल्टा आपको करना है, दिन में केवल 2 बार खाना है, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। किसी दिन 1 बार खाना है, किसी दिन नहीं खाना है, कभी 3 बार खा लिया आपने। जब ये करोगे तो आपका लीवर जो अंदर फैट स्टोर है वो हट जाएगा, क्योंकि जब खाली पेट रहोगे तो बॉडी फैट को ग्लूकोज कन्वर्ट करके यूज कर लेगी, तो इससे आपको इंसुलिन असर बढ़ जाएगा। सिमिलरली पैनक्रिया जो फैटी हो रखा है, जब फास्ट करोगे तो वहाँ से फैट हट जाएगा, बॉडी उसकी एनर्जी बना के यूज़ कर लेगी और पैनक्रिया फिर से इंसुलिन काम करने लगेगा। मसल फैटी है सेम, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट कम कर लो, कार्बोहाइड्रेट होता है फिर रिपीट, गेहूं की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, दूध की चीज़ें एंड फ्रूट एंड चीनी, ये 6 चीज मिले कार्बोहाइड्रेट। गुड़, चीनी, शक्कर सेम होता है। जितने अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, सब भी कार्बोहाइड्रेट, तो ओट और किनवा भी कार्बोहाइड्रेट है, ये कम लेना है। मकई भी, कॉर्न भी कार्बोहाइड्रेट है, इसको कम लेना है आपको। दिन में बोलते हैं कि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, खूब सलाद, हरी सब्जी खानी है, हेल्दी फैट खाने हैं, घी मक्खन 4 चम्मच, सरसों तेल 3 चम्मच, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 5 से 10 चम्मच अप टू 50 ml, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो कुकिंग के लिए, ड्राई फ्रूट खूब खाना, पनीर, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, हेल्दी सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड एंड पम्पकिन सीड खाना है, हर तरह हरी सब्जी खाना है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल खाना है। पर दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट फास्टिंग। आपका जो शुगर बढ़ के आ रहा है, आपका बीपी बढ़ के आ रहा है, आज कल सुबह तो फास्ट, आज कुछ मत खाओ, कल तो शुगर 100 आएगा, बीपी 9 वाला जाएगा। तो क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उससे इंसुलिन बढ़ जाता है, और आपका इंसुलिन चेक करो, इंसुलिन डबल या ट्रिपल आएगा। हाई इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में वाटर शॉर्टेज ट्रेन करता है, इससे बीपी बढ़ जाता है। तो आपको ठानना पड़ेगा, रिवर्स करना है, मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। अभी मेरा वीडियो देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन फैट पे जीना सीखो। बस के लिए आपको कीटो डाइट करना है, कब तक, जीवन भर लो कार्बोहाइड्रेट, जीवन भर। जितने रिफाइंड फूड है, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक्स, ओट मील, इसके बाद केक्स, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ा, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, बिस्किट्स, सब छोड़ने हैं। चाहे बिस्किट कोई भी हो, मारी बिस्किट हो, चाहे न्यूट्री, कोई कोई बिस्किट, शुगर फ्री, सब कुछ खाना है। समझ गए? तो
क्वेश्चन पूछना कुछ? सर खाना क्या है? खाना क्या है? तो देखो सुन लो, जैसे हम खाते हैं तुम ही खाओ। आपको डेली जो आटा मिलेगा या चावल मिलेगा, कुल 50 ग्राम मिलेगा आपको, मल्टीग्रेन आटा या 50 ग्राम चावल मिलेगा, इतना चावल सुबह इतना शाम, या एक मतलब 25 ग्राम सुबह 25 दो आटा मिला आपको, तो 25 ग्राम आटा पेट भरेगा नहीं। तो क्या करो, एक अलग आटा बनाओ, 250 ग्राम बादाम को भून के मिक्सी में पीस लो, और मार्केट में 250 ग्राम कोकोनट का बुरादा मिलता है, आटा मिलता है, बुरादा मिलता है पिसा हुआ, वो मिला दिया, और 250 ग्राम मल्टीग्रेन आटा लिया उसको मिला दिया, इसको मिला के और इस आटे की रोटी बनाओ। तुम चाहो तो आलमंड और कोकोनट को आप इसमें मिला मिला के अपना फ्रिज रख, सब आटे रख दो तीनों को, उसकी रोटी बनाओ, उसकी दो दो रोटी खा सकती हो, तीन भी खा सकती हो, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम है। बाकी थोड़ा आप दाल भी खा सकते हो, दाल चीला भी खा सकते हो, बाकी मैं बोला चार चम्मच घी मक्खन, तीन चम्मच सरसों तेल कुकिंग के लिए, और 4 से 10 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सलाद में डाल के, सूप में डाल के, रोटी पढ़ के, जैसे मर्जी खा सकते हो, प्लस ड्राई फ्रूट दिन में छोटे दो मुठ्ठी ड्राई फ्रूट खा सकते हो, 50-60 ग्राम बादाम अखरोट पिस्ता काजू मूँगफली, 3-4 चम्मच फ्लैक्स सीड, 2-3 चम्मच चिया सीड, और थोड़ा पम्पकिन सीड हो गया, सलाद हरी सब्जी कोई लिमिट नहीं है, अंडे भी ले तो 5-6 अंडे डेली खा सकते हो, अंडे में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, पनीर डेली ले तो 60-70 ग्राम आप तो 100 ग्राम ले सकते हो, और जो लोग नॉनवेज खाते हो मीट मछली अंडे चिकन खा सकते हैं, सी फिश खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई लिमिट नहीं है, कोकोनट भी खा सकते हो वाला जो पकाया कच्चा कोकोनट वाटर नहीं कर सकते हो, सारी हरी सब्जी अलाउड, सारे सलाद अलाउड है। और क्वेश्चन पूछो। हम भी ये करते हैं यार, ये हेल्दी डाइट है, और कोशिश करो डेली 1 घंटे घूमो थोड़ा तेज, लाइफ स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, रिवर्स हो जाए पक्का होगा, पर चांस नहीं होगा। ठीक है सर। प्लस मैं मेडिसिन लिखूंगा आपको, जब भूख खत्म हो जाएगी, भूख काफ़ी कम हो जाएगी, वेट घटेगा आपको, और इंसुलिन बनना फिर से प्रोड्यूस होगा, डायबिटीज रिवर्स होगा आपको, बस यही चाहिए। तो बोलो फिर से, प्रॉमिस करो, बोलो मैं प्रॉमिस करती हूँ इस डायबिटीज को लात मार के भगा दूंगी। और आई डू इट। और शुगर फ्री भारत बनाना है, बोलो शुगर फ्री भारत, शुगर फ्री भारत, विकसित भारत और शुगर फ्री भारत, ये हमारा मोटिव है। तो आई होप आप वीडियो देखेंगे को अच्छा लगेगा, आप भी शुगर फ्री करिए, अपना शुगर फ्री भारत बनाइए, देश स्वस्थ रहेगा, देश विकसित करेगा फिर। थैंक यू।